गुड मॉर्निंग एवरी वन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पे मंडे की मॉर्निंग है। मैंने बोला था ना, संडे नाइट मैंने पूरी रात है ना काम की थी, तो मैं मॉर्निंग में आई थिंक बहुत लेट से सोने गई थी। और फिर और उठने के बाद ना मैंने जस्ट शावर ले लिया है, क्योंकि बहुत अनईजी लग रहा था और रात भर काम किया ना मैंने। और शावर लेने के बाद थोड़ा और नींद भी पूरी हो गई थी, तो थोड़ा मूड फ्रेश लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं शावर लेके आ गई हूँ और मैंने बेड वगैरह जो है सोचा अरेंज कर देती हूँ, घर के जितने भी सामान हैं। क्योंकि मतलब आपका अगर घर अच्छे से हो ना तो आपको ऐसे ही मन लगा रहता है, और घर अगर बिखरा पड़ा हो ना तो आपका मन मतलब नहीं लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसीलिए मैं कितना भी कुछ भी हो पहले तो सब कुछ अरेंज करती हूँ अगर पॉसिबल हो, और फिर उसके बाद ही काम करती हूँ। यहाँ पे देखिए लैपटॉप को भी मैं क्लीन कर रही हूँ, धूल वगैरह हटा रही हूँ उस पर से। उसके बाद मैं ना किचन में चली गई थी, मुझे कल जो मैंने यूटेंसिल्स वगैरह है वो सब क्लीन नहीं किया था, तो वो सब भी मुझे क्लीन करना था। तो मैंने सोचा फटाफट से क्लीन कर लेते, और मैं आपको स्माइल करके हेलो बोल रही हूँ। या कभी कभी होता है ना, हड़बड़ में मैं भूल जाती हूँ स्माइल करना। प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा मैं कुछ मतलब स्माइल नहीं करती ऐसा कुछ, आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगे तो। इसीलिए देखिए मैं आपको अच्छे से कैमरा सामने में रख के स्माइल कर रही हूँ। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और पॉजिटिव रहिए इस सिचुएशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो वही मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है और इसमें डबल वॉइस आती है, नहीं तो मेरा अगर फ़ोन अच्छा होता ना, मैं फ़ोन से ही सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली यू नो फेस टू फेस बात करती, लेकिन अभी यही है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो है ना वो क्लीन हो गए हैं, काउंटर टॉप भी जो है मैं क्लीन कर ले रही हूँ साथ ही साथ। और फिर ना मैं लंच की तैयारी करने आ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो चुका था ना, तो लंच में टाइम लगता। और सुबह को एक तो 9:30 बजे मैं उठी, मतलब 9:30 या 8:30 बजे उठी, उसके बाद ऑफिस के काम में लग गई, और अभी हो गया था लंच का टाइम। तो मतलब लंच बनाने में टाइम लगता है, आप कितना भी अर्ली कर लीजिए लेकिन लंच बनाने में टाइम लगता ही है। यहाँ पर ना मैं एग्स को बॉयल कर रही हूँ, और मेरे पास सिर्फ 4 एग्स थे उस टाइम, तो मैंने सोचा अभी ग्रोसरी का फटाफट से ऑर्डर दे देती हूँ, और उसके बाद में देखते हैं, बाद में एग्स को फ्राई करके डाल दूंगी करी में। अभी तो फिलहाल जो 4 है उसी से काम चलाते हैं, ग्रोसरी आई तो आई, नहीं तो यही 4 में काम चलाएंगे। और इस वीडियो में ना मैं अपनी फैमिली का एक मेंबर दिव्या मैम, उनकी बेटी तन्वी का नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो हेलो दिव्या मैम और हेलो तन्वी बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, अपनी मम्मी का खूब टेक केयर कीजिए, और मम्मी से खूब सारी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनवा के खाइए। एग्स जो है रख लिया है, अभी मैं जो है एग करी बनाने के लिए उसका मसाला तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं प्याज रखती हूँ वहाँ से मैं प्याज ले रही हूँ, और टमाटर वगैरह ले रही हूँ, और उसको पहले वॉश करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना है, तो वही मैंने सोचा पहले शावर ले लेते हैं, फिर ना पेंडिंग रह जाएगा और फिर वो आएंगे बोलेंगे लेट हो रहा है लेट हो रहा है, इसीलिए फटाफट से मैंने और सोचा पहले शावर ले लेती हूँ, बाद में तो धीरे धीरे काम होता रहेगा। अगर अभी नहीं भी बन पाया तो बाहर से आने के बाद कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं जो है अनियंस को चॉप कर ले रही हूँ, और एग करी में ना अनियंस ज़्यादा या फिर कोई भी किस टाइप की सब्ज़ी में ना आप ज़्यादा अनियंस डालेंगे ना तो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, अनियंस का एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है ना। तो भाई मैं ढेर सारा अनियंस मैंने चॉप कर लिया, अराउंड 2 अनियंस मैंने चॉप करी है। साथ ही साथ यहाँ पर ना मैं टमाटर को भी धीरे धीरे करके चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि अनियंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ करी को टेस्टी बनाती है वो है टोमेटो। ऐसे तो बोलते हैं टोमेटो एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, बट जो भी है बहुत ही सब्ज़ी को यमी बना देता है। तो यहाँ पे मैं एक टमाटर को मैंने बड़ा ही चॉप किया है, इसको मैं हल्दी और अदरक के साथ ना पीसूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग सबको पीस करूँ। और यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल रही हूँ, मैंने जीरा निकाला, मिर्ची निकाली, तेज़पत्ता निकाल लिया, बेलीफ। और यहाँ पे मैं पैन ऑयल गरम करके सब कुछ मैं डाल रही हूँ, पहले मैंने मिर्ची बे लीफ वगैरह डाला, फिर जीरा डाला, उसके बाद जो है अपना प्याज उसको मैं फ्राई होने के लिए डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं सॉल्ट डाल दूँगी ताकि जो कुकिंग का प्रोसेस है ना वो स्पीड अप हो जाए। और अभी लंच का टाइम तो आधे घंटे मिलता है ना, तो फटाफट से वो भी मेरे को करना था। यहाँ पर मैं ना जिंजर और अपना जो हल्दी है उसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ, और टमाटर के साथ ना उसको ये मिक्सी में, मिक्सी या ब्लेंडर जो कह लीजिए यही है मेरे पास यहाँ पे,
तो उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती, यहाँ लाइफ बहुत टेम्प्रेरी है ना, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है या सिटी बदलनी पड़ सकती है, तो इसीलिए आप देखेंगे मैं ज़्यादा यूटेंसिल्स वगैरह भी नहीं रखती। और ये ब्लेंडर जो है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे जो टोमेटोज है उसको मैं निकाल के रख लूँगी। उसके बाद जो चॉपिंग बोर्ड है मैंने वॉश कर ली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोचा मैंने उसी टाइम रोटी भी बना लेते हैं अगर ये सब हो जाए। फिर मैंने टोमेटोज़ को ऐड कर दिया है करी में और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं टोमेटोज़ को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसको सबको एक साथ फ्राई होने देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना, सुबह से मैंने मतलब उठी थी तो उतना ज़्यादा ये कुछ नहीं लग रहा था, अभी मुझे थकान टाइप की लग रही है, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट तो मैंने स्किप ही कर दिया, क्योंकि कितना काम था ना ऑफिस का जो मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग भी मत करिए, मेरी तरह मत फॉलो करिए रूटीन, सॉरी। लेकिन मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ। ब्रेकफास्ट करने बैठती तो फिर हो जाता मेरा लंच का टाइम डिले हो जाता। तो यहाँ मैं वही कॉफ़ी और शुगर को ऐसे ना फेट रही हूँ, बीट कर रही हूँ। और कॉफ़ी का स्मेल बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने बोला ना कॉफ़ी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और इसमें ना थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो मैंने वही डाला था ऊपर से कॉफ़ी में। और यहाँ पे मैंने जो मसाला पीसा था वो भी मैंने करी में डाल दिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो है कॉफ़ी के लिए अपनी दूध स्टीम हो गई है और मैंने करी में क्यूमिन भी डाल दिया। एक साथ बहुत सारे काम कर रही थी, मुझे लग रहा था कहीं मैं मसाले दूध में ना डाल दूँ, होता है ना हड़बड़ में हम गलती कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध स्टीम हो गया, तो मैं बस उसको कॉफ़ी में मिला लूँगी और उसको मैं बस अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी उसको। उसके बाद जो है ना वो बीटर से मैं लगाती हूँ, और कॉफ़ी पीते ही ना मेरी एनर्जी आ जाती है। दूध में तो एनर्जी वैसे भी होती है और ये होल फैट मिल्क है ना, तो एनर्जी आ जाती है। और मेरा एपेटाइट इतना कम है ना, मेरा एक कप कॉफ़ी में समझिए तो मील हो जाता है। अपनी कॉफ़ियाँ बन गई, मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है कॉफ़ी को, और अपनी मस्त सी कॉफ़ी यहाँ पे रेडी हो गई है। बहुत टेम्पटिंग लग रहा था मुझे अपने हाथ की बनी हुई कॉफ़ी, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे मैं करी को मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे चिपके ना पैन में, क्योंकि स्टील का पैन है ना। और यहाँ पे मैं अपना वही, और लंच टाइम अभी ओवर होने वाला था तो फटाफट से कॉफ़ी लेके बैठ गई और यहाँ काम भी कर रही थी और सबको मैं हेलो बोल रही हूँ। यार आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर ना मैं अच्छे से हेलो ना बोल पाऊँ, मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, आपको पता है, लेकिन भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करते करते ना, भूल जाती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे देखिए मैं ईमेल्स वगैरह चेक कर रही हूँ और भी बाकी कुछ अपना जो काम है वो कर रही हूँ। कॉफ़ी पी तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी, एक तो नहा लिया था सुबह मैंने और धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मस्त सी कॉफ़ी, मतलब मेरे लिए तो ये जन्नत है। तो अभी मतलब मैंने ग्रोसरी, मैंने बोला था ना अंडा कम हो गया था, तो मैंने कुछ कुछ ग्रोसरी भी मंगा ली थी, तो वही वो डिलीवर करके डोर पे रख के चले गए थे, तो वही मैं सबको अरेंज कर लूँगी। आप लोग पूछते होंगे मैं ग्रोसरी क्यों नहीं लाने जाती, क्योंकि यहाँ पे इतनी टेम्प्ररी लाइफ है ना अभी हमारी, इसीलिए ना मैं कार वगैरह नहीं रखती हूँ ग्रोसरी ये सब के लिए। और हाथ से लाने जाना तो बहुत हैवी हो जाता, मेरे से तो उठता ही नहीं है, इसीलिए मैं ऑनलाइन ही डिलीवर करा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंडा, दूध, चिकन वगैरह जो भी मंगाया था ना, वो सब जो ख़राब हो जाता उसको पहले अरेंज कर रही हूँ। मैंने सोचा था आप सबको एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन क्या करूँ, मतलब ऑफिस का काम इतना हो जाता है ना, मुझे बिल्कुल मतलब ये नहीं लगा, सोचा बाहर रहेगा तो ख़राब भी हो जाएगा। तो मैंने दो एग्स जो है निकाल लिए हैं अलग से उसको बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे अभी ऑफिस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। ये देखिए आलू है, धनिया है, मशरूम है, फिर ये मैंगोज़ मैंने मंगाए, मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है इसीलिए। और इन सबको मैं अरेंज करके बस अभी रख लूँगी। और धनिया और मशरूम को मैं लगे हाथ ही फ्रिज में रख लूँगी, कहीं ख़राब ना हो जाए, मेरा फ्रिज बहुत मैसी है। और उसी टाइम मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, आ जाओ जल्दी, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ और टैक्सी भी आ गई है, तो मैं फटाफट से वही रेडी होके बस मास्क वगैरह लगाया। और अभी समर का टाइम है ना, तो मैंने सोचा कुछ समर टाइप लाइट कपड़े पहनते हैं, तो ये रहे मेरे हस्बैंड और ये हमारी टैक्सी, तो हम लोग वही जा रहे थे। हमें कुछ काम था बाहर, कुछ पेपर वर्क थी, तो हम लोग जा रहे थे और अभी हमारा काम हो गया था, तो हम लोग ऑन द वे रिटर्न हो रहे थे। तो वही मैंने सोचा थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर लेती हूँ, ऐसे तो मैं बाहर अभी ज़्यादा नहीं जा पा रही, कुछ ना कुछ काम में बिज़ी हो जाती हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है ना समर का ग्रीन ग्रीन। तो देखिए वापस से मैं अपने किचन में आ गई हूँ, और जो दो एग्स मैं तभी बॉयल नहीं कर पाई थी ना, उसको मैं पहले बॉयल पर डाल दूँगी, अब क्योंकि मुझे सारे एग्स एक साथ फ्राई करने हैं। तो एग्स बॉयल हो रही थी तो मैंने सोचा
यहाँ पे जल्दी से रोटी बना लेते हैं। मैंने सोचा पहले राइस बनाते हैं, फिर मेरा मन किया नहीं यार एग करी के साथ ना रोटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली एग करी के साथ रोटी बहुत पसंद है। बचपन में भी मम्मी घर पे बनाती थी ना, तो मुझे याद है एग करी को ना मैंने ऐसे करी में मैश कर देती थी पूरा एकदम, और उसके बाद उसको रोटी में लपेट लपेट के खाती थी। मम्मी भी कभी कभी खिलाती थी, बहुत मिस करती हूँ ना मम्मी अभी नहीं खिलाती, खुद से खाओ खुद से बनाओ, बहुत बुरा लगता है। सच बोलूँ आप सब से, आप सब तो मेरी अब फैमिली बन चुके हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा आटा बन चुका है, मैंने आटा बस लगा लिया है, और उधर अपना एग्स भी बॉयल हो रहा है, अच्छे से बॉयल हो रहा था। मैं सोच रही थी ये वाले एग्स अच्छे हों, और एग्स जब बॉयल हो गए तो मैंने उसको ठंडे पानी में थोड़ा सा डाल दिया है, और उसको मैं धीरे धीरे करके पील कर रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से ना एग्स पील हो रहा है। मुझे लगता है ना वो जो पिछला वाला बैग वो लोग देके गए थे ना एग्स का, उसी में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी इतना प्रॉब्लम हो रहा था। ये वाला तो फटाक से एकदम अच्छे से हो गया। मुझे लग रहा था मेरी टेक्निक में मिस्टेक है, तो मैंने सोचा मैं इतने टाइम से एग्स को पील कर रही हूँ, बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि एग्स तो इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है ना, तो ये प्रॉब्लम अभी क्यों आ रही है। तो यहाँ मैंने बाउल में सब कुछ रख लिया है, और एग्स में मैं ना छोटे छोटे ऐसे होल्स बना लूँगी। होल्स बनाने से क्या होता है ना, आपका जो मसाला है वो अच्छे से एग्स के अंदर जाएगा। मुझे नहीं पता कितना जाता है, लेकिन मैंने ऐसे सुना है ऐसा होता है। देखिए मैं कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। यहाँ पे देखिए एग्स को फ्राई करने के लिए मैंने ये मिर्ची डाल दी है, हल्की सी हल्दी डाल दी, हल्का सा नमक, और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा हीट कर लूँगी, और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें जो है अपने सारे एग्स को मैं धीरे धीरे करके डाल के फ्राई कर लूँगी। स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। और इसको ऐसे ऐसे करके मैं चला के आपको दिखा रही हूँ कि ताकि सारा मसाला अच्छे से एग के चारों तरफ कोट हो जाए। और यार रोटी बनाने के लिए, और मैं इतना हड़बड़ हड़बड़ में काम कर रही थी ना, कैमरा तो मेरा आई थिंक यहाँ पे 3-4 बार गिरा था, मेरा फ़ोन टूटते टूटते बचा था। तो वही मतलब अभी हस्बैंड भी आ गए थे ना मेरे साथ, तो उनको भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मुझे मतलब जो भी है वो यहाँ पे मेरी फैमिली है ना, तो उनको भूखा रखना पसंद नहीं है। तो मैं हड़बड़ में रोटी बना रही हूँ, और रोटी भी परफेक्टली गोल नहीं बन रही थी, जैसी बन रही थी मैंने सोचा चलो करते हैं। और यहाँ पे एग्स को मैं वापस से हिला ले रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ कैमरा अच्छे से है कि नहीं, क्योंकि कैमरा मैंने 2 बार गिरा दिया है, और दोनों बार रिकॉर्डिंग मैंने लग रहा था ऑन है बट वो ऑफ था, तो वही मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कैमरा ऑन है कि नहीं। आप लोग माइंड मत करिएगा ऐसे मैं कैमरा को देखती हूँ तो। और यहाँ पे देखिए रोटी जो है मस्त अपनी बन रही है, मैंने सोचा चलो रोटी तो अच्छी बन गई, अभी सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियाँ बन गई। आज तो मैंने गर्म पानी में रोटी लगाया भी नहीं, ऐसे नॉर्मल वाटर में लगा लिया हड़बड़ में, जनरली मैं गर्म पानी में ही रोटी का आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मस्त अपनी रोटी बन रही थी, और उधर मेरे हस्बैंड शावर लेने चले गए थे, वो बीच बीच में मुझे कभी बॉडी वॉश लाओ कभी टावल लाओ कर रहे थे, मैं मुझे बीच बीच में जाना भी पड़ रहा था, तो एक आध रोटी अच्छी से नहीं बनी थी उसी चक्कर में, बट हाँ मेजॉरिटी रोटी अच्छी बन गई थी। और रोटी बनाने ना मेरे लिए थेरेपी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी बनाना, अगर उतना ज़्यादा मेरा बॉडी थका ना हो तो। और उधर अपने एग्स भी फ्राई हो गए, तो मैंने स्टव बंद कर दिया था, और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट रोटी बन ही चुकी थी, एक आध रोटी और बनानी थी, तो मैंने एग्स को है ना करी में ऐसे डाल के मिक्स कर दिया, वो फ्राई हो गया था, तो और ऊपर से हाफ एग जो था वो भी डाल दिया, वो मैंने फ्राई नहीं किया था, बस स्टफ को थोड़ा लो पे करके पका लेंगे साथ में 10 मिनट के लिए। यहाँ मैं रोटियों को अच्छे से कंटेनर में डाल के उसको मैंने लॉक कर दिया ताकि मेरे हस्बैंड शावर लेके आए, फिर मैं उनको गरम गरम दे दूँ। और यहाँ पे ना मैंने सोचा एग करी के ऊपर धनिया डालते हैं, धनिया डालने से ना अलग ही फ्लेवर आ जाता है, आप देखिएगा करी वगैरह में मतलब पूरा टेस्ट एक अदर लेवल पे चला जाता है। उन्होंने इस बार धनिया अजीब सा दिया, अजीब से पैकेट में दिया, बहुत एक्सपेंसिव दिया है, नॉर्मल प्राइस से सीधे डबल ट्रिपल, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था इतना महंगा धनिया उन्होंने दिया है। तो फिर वही मैं जो है उसके बाद मैंने सोचा हस्बैंड के लिए फटाफट से सैलड चॉप कर लेती हूँ, तो मैंने टमाटर प्याज नींबू थोड़ा सा ले लिया है, उसमें हल्का सा सॉल्ट और पेपर जो है बेसिक, मेरा मतलब मैं बहुत बेसिक फूड खाती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या मतलब हर दिन एक ही खाना खाती है, बहुत सिंपल खाना खाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी है, और यहाँ पे जो है करी वो बन चुकी थी, तो वो मैंने देखिए कितना गरम, इसे गरम गरम भी स्टीम निकल रहा है, और धनिया का ग्रीन कलर, टमाटर का रेड कलर, कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मैं तो खाऊंगी जब मेरे हस्बैंड खा लेंगे, उनको अच्छे से खिला दूंगी पहले, फिर मैं आराम से खाऊंगी। तो ये अपना खाना रेडी हो गया, मैंने उनको देख के आगे, और अब सोच रही हूँ मैं फिर से रोटी क्यों बनाने लगा, एक्चुअली मैं रोटी नहीं बना रही थी, मैं सत्तू का पराठा बना रही थी। मैंने बोला था ना कुछ दिन पहले मैंने सत्तू का मसाला बनाया था, तो मैंने सोचा उनके लंच के लिए फटाफट से अभी पराठे बना लेती हूँ, अभी शाम का 8:30 हो गया था, तो मैंने सोचा कल सुबह को ना बिल्कुल नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि ना फिर मुझे रात को ऑफिस का काम करना, सुबह को तो नींद खुलने से रही,
तो मैं अभी पराठे बना के उसको वो जो कंटेनर्स होते हैं ना गरम वाले, उसमें किचन पेपर में लपेट के रख लूँगी। तो वही मैं अभी सोच रही हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए, 3-4 पराठे बना, 3 पराठे बनाऊँगी। लंच में ज़्यादा हैवी तो नहीं करते। तो वही देखिए, मैं पराठों पे ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ और पराठों को सेक ले रही हूँ। मैं आपको स्माइल भी कर रही हूँ, मैं भूल गई थी, मेरी सोचे तो मेरे दोस्त सोचे बातें करती हंसती नहीं है। तो वही अभी सब कुछ हो गया है, मेरे पराठे भी बन गए हैं। और मेन जो काम आता है अभी क्लीनिंग का, वो तो सबसे डिफ़िकल्ट काम है। और मेरा बॉडी ना अभी बहुत टायर्ड लग रहा था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मस्त अपने पराठे जो है बन चुके हैं। अभी मैं इसको रख दूँगी और क्लीनिंग बाद में करूँगी। मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, तो आप लोग बोलते भी होंगे कि लड़की ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दिखाती। रीज़न है ना, मैं ब्रेकफास्ट करने का मुझे कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता, या फिर जो हस्बैंड को मैं लंच में देती हूँ ना वही थोड़ा सा बच जाता है तो मैं खा लेती हूँ। मतलब अभी मैं अलग से अपने लिए क्या बनाऊँ, तो वही हड़बड़ में सुबह सुबह खा के बस ऑफिस में लॉग इन करना होता है 9 बजे, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुबह में इतना रश होता है ना, ट्रस्ट में कभी कभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं सांस भी ले सकूँ, आप विश्वास नहीं करिए। सुबह 9 बजते ई मेल्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 या 3 चपाती ली थी, क्योंकि एग करी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने रोटी ली और मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। तो ये हस्बैंड को मैंने जो सैलेड दिया था ना, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। मैंने मुझे बोला तुम खा लो, मैंने बोला कि आपने इसलिए तो नहीं छोड़ा कि मैं खा लूँ, आप पूरा खा लीजिए, मैं अपने लिए नया अलग। वो देखते हैं, मैं अपने लिए कुछ भी ना खाती हूँ तो सैलेड वगैरह नहीं काटती, तो शायद उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि ये इसी बहाने थोड़ा तो सैलेड खा लेगी। वो डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे तो मैं नहीं खाऊंगी। हड़बड़ में मैं अपने लिए सच में सैलेड नहीं काटती, इतनी मेहनत कौन करेगा अपने लिए। तो जो भी है, मैं वही अपना डिनर, और बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है, रात के 9 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। मैं कितना हड़बड़ में खा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैं भी यहाँ से बैठ के थोड़ा न्यूज़ देख रही थी, सुन रही थी, क्योंकि ऐसे तो टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गए हैं अपने बर्तन जमा। अब इन सबको क्लीन करना है। आप लोग सोचते होंगे लड़की ना एक डिश वॉशर है, दिन भर बर्तन क्लीन करती रहती है, लेकिन मुझे सिंक में ना बर्तन रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं घर पे भी जाती हूँ ना इंडिया, तो मम्मी के सिंक में बर्तन देखती हूँ, बोलती हूँ मम्मी इसको फटाफट से क्लीन करके रख लो ना, कि किचन अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मी तो ऐसा मतलब मेरी तरह हर 2 मिनट पर क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ और मुझे आदत है हर बर्तन को अच्छे से स्मेल करना, कि उससे खाने वाने की स्मेल तो चली गई, अच्छा वो मतलब क्लीन अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन जो है अरेंज करके रख ले रही हूँ, ताकि मुझे उसके बाद ना थोड़ा रेस्ट करके चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि मतलब सुबह से थकान हो गई है ना, इतना भागा दौड़ी बाहर भी गए। और यहाँ पे मैं अपना पानी जो है वो रिफ़िल कर ले रही हूँ, ताकि कल हो जाए। गर्म पानी हम सुबह पीते हैं ना। तो यहाँ मैंने बादाम भी ले लिया, मतलब आलमंड्स, और उसको सोक करने के लिए अभी ही डाल दूँगी, क्योंकि मेरा प्लान था ना कि अभी जस्ट हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातें करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। उनको तो चाय एज ऑलवेज नहीं पीनी थी, और यहाँ हो चुका है रात का 10 बज चुका है। मतलब कैसे दिन निकल गया, सुबह 9 से रात 10, बिल्कुल पता नहीं चला। तो वही मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने आ गई हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला आप दूध पीजिएगा या चाय पीजिएगा, वो बोल रहे थे वो वाटरमेलन खाएंगे। उनको रात में वाटरमेलन खाना था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खा लीजिए वाटरमेलन। और मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बनाने लग गई थी, उसके लिए मैंने इलायची कूट ली है, उसको फिर मैंने डाल दिया है, और साथ में मैंने चाय पत्ती को भी डाल दी है। यहाँ पर मैं सब कुछ वापस रख ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैस हो जाता है। और यहाँ पर दूध जितना मुझे चाय बनाना है उसी हिसाब से मैं दूध ले रही हूँ। आप लोग रात में चाय पीते हैं क्या मेरी तरह? मैं रात को 10 बजे चाय पी रही हूँ, कितना फ़नी है ना। और उसी बीच में आ गई थी जो बाकी का सामान वगैरह जो है देखने, उसमें अगर कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्कुल अभी एनर्जी नहीं थी ना कि मैं फ्रिज को पहले सेट करूँ फिर उसमें सामान लगाऊँ। तो मैंने सोचा अरे ये सब तो ख़राब नहीं हुआ, सब बाहर भी रह लेगा, तो वही मैंने उसी बैग में रख दिया है। और यहाँ पर मैं कभी कभी ना चटाई पर बैठ के काम करती हूँ, तो ये भी मैंने साथी के साथ फोल्ड कर लिया है और रख लिया है। और ये जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना स्टैंड वगैरह, वो भी मैंने अरेंज कर लिया, क्योंकि इसमें फंस के मैं बहुत बार खुद ही गिर जाती हूँ। और यहाँ मैं अपना हेडफोन ढूंढ रही हूँ, मैं बेड के नीचे देख रही हूँ, पूछे मेरा हेडफोन कहाँ रखा, वो बोले तुम अपनी चीज़ें रख के खुद ही भूल जाती हो, फिर मुझसे पूछती रहती हो। मैंने बोला नहीं, आपने मेरा हेडफोन लिया होगा और आप ही कहीं रख दिए होंगे, बट नहीं मिला उस टाइम हेडफोन। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी, चाय हमारी मेरी बन गई थी, तो मैंने स्टोव को बंद कर दिया था और चाय ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी, क्योंकि मैं उधर बात करने लग गई ना, और मेरे हस्बैंड तब तक मेरा चाय बनाने आए और वो मस्त उधर जाके सो गए, मतलब 2 मिनट में सो गए।
तो मैंने सोचा था थोड़ा सा चाय लेके उनसे बात करूँगी, बट वो सो चुके थे, तो मैंने वही अकेले अकेले चाय पी रही, आप सबको हेलो बोल रही हूँ। तो यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, होप करती हूँ आप सबको अच्छा लगा हो, आप सब लोग खुश हों, हैप्पी हों, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर रहे हों, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे। मैं तो अपने मम्मी पापा से दूर हूँ बट हर दिन मिस करती हूँ। लेकिन देखिए अभी यही मैं यहाँ आके अपना चाय वगैरह, वो मेरा नाइट ड्रेस रखा है, क्योंकि चाय पीने के बाद मैं नाइट ड्रेस बदल के बस अपना जो है ऑफिस का काम आधे घंटे करूँगी, फिर सो जाऊँगी। तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।